अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमाद और आज मैं आपको थ्री डी टेक्स इफेक्ट फोटोशॉप में बनाना सिखाऊंगा। पहले आप फाइल ओपन करें, न्यू फाइल, अपनी मर्जी की आप विड्थ हाइट रख सकते हैं। मैं अब 600 बाय 500 रखूँगा। ओके, देन वर्ड लिखें कोई भी। मेरेनिक बॉन्ड, ये मैं फॉन्ट लूंगा। उसके बाद इधर मैं लिखूंगा एन। ओके, देन कंट्रोल टी दबा के आप इसको बड़ा कर सकते हैं, जितना आपकी मर्जी आप कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप रेस्टराइज कर लें, रास्टराइज, देन कंट्रोल टी करें और राइट क्लिक करके क्यू सेलेक्ट करें, ऑल्ट और शिफ्ट पकड़ के इनको ऐसे आप अंदर की तरफ कर लें और नीचे से इसको बाहर की तरफ कर दें, ओपन करें। ठीक है, एंटर करें। देन एक इसकी डुप्लीकेट इमेज बनाएं, डुप्लीकेट लेयर बनाएं। इसके बाद कंट्रोल जी प्रेस करें तो ये ग्रुप में आ जाएगी। इसके बाद इसके ऊपर रख के एल ऑल्ट और एरो से आप नीचे कम से कम 20 से 22 लेयरें बनानी है इसकी। ऑल्ट पकड़ के डाउन एरो दबाना है, एक दो तीन, दैट्स ओके। अब इसके ऊपर ग्रुप पे लेके कंट्रोल ई दबा दें आप, देन ब्लेंडिंग ऑप्शन, इस पे इफेक्ट लगाएंगे, ग्रेडियंट लगाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, 3 कलर लगेंगे इसके ऊपर, पहला ओके, सेकेंड इसके ऊपर लगाएंगे ओके, इसके बाद तीसरा कलर लगाएंगे। ओके, देन ओके कर दें इसको और रिवर्स कर दें। इसके बाद ओके, देन इसके ऊपर भी आपने ग्रेडिएंट इफेक्ट्स लगाने हैं इफेक्ट्स के। ओके, दो कलर लगेंगे इसके ऊपर, ओके, देन ओके कर दें और स्ट्रोक लगाएं इसके ऊपर। स्ट्रोक का इफेक्ट्स भी लगाएंगे, 1 पिक्सल रख लें और वाइट कर लें इसको। पेस्टी थोड़ी सी कम कर लें, 78 मिनिमम, हाँ ओके है 78, और ओके कर लें। ये आपका बन गया 3D इफेक्ट्स। ये आपका, अगर आप ज़्यादा ट्यूटोरियल और देखना चाहते हैं तो आप हमारी साइट पे विज़िट कर सकते हैं, myfreetutorials.com पे। उधर आपको हर किस्म का ट्यूटोरियल वीडियो समेत मिल सकता है। थैंक यू for watching.